हेलो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर वन एंड टू पोम्स. द फर्स्ट पोम वॉज फायर एंड आइस एंड डस्ट ऑफ स्नो. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस बुक फर्स्ट फ्लाइट. ओके, फर्स्ट फ्लाइट. व्हाट इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस बुक? द सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस बुक इज नेल्सन मंडेला. अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट हैज बीन गिवेन इन योर बुक. नाउ लेट मी टेल यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. सो यू ऑल बी वेरी कॉशियस, बी वेरी केयरफुल, बी वेरी अटेंटिव व्हाइल स्टडीइंग दिस चैप्टर. Because it is going to explain a brief introduction about Nelson Mandela. Who was he? He was a great politician of South Africa. Right, he was a very great politician of South Africa who spent 30 years in prison just because of to free his country from British, from colors, from the oppressions. And he struggled a lot, he suffered a lot just to free his country, just to make their people equivalent in all caste and creeds, religions, races, colors, regarding all these things. So let us start the very before you read. Now see, open your book and start. Before you read apartheid, it's a very important word, apartheid. So see the meaning of this word. Apartheid means a political system that separates people according to their race. पॉलिटिकल सिस्टम होता है, अपार्टहाइड भी होता है, पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल्स अकॉर्डिंग टू देयर रेस. जो उनके काले और गोरे होने की वजह से उन्हें अलग करता है, एंड दैट इज कॉल्ड अपार्टहाइड. कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? एंड दैट इज द क्वेश्चन फॉर यू, यू हैव टू आंसर इट. Okay, United States of America, first one is, and the second one is South Africa, and the third one is Australia. Now see, have you heard of Nelson Mandela? As I told you, Mandela and his African National Congress, it was the party of Nelson Mandela which he formed there, and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had to spend 30 years, as I told you, in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994, and Mandela became the first black president of a new nation. Nelson Mandela ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, एक पार्टी बनाई थी, और इस पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. ओके, और उन्होंने अपार्थिट के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी. जिस तरीके से हमारे देश में गांधी जी ने
हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी, उसी तरीके से इन द सेम वे दैट इज वाई ही वॉज कॉल्ड महात्मा गांधी इन हिज कंट्री. नेल्सन मंडेला इज कॉल्ड महात्मा गांधी इन हिज कंट्री. कंट्री मीन्स साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में उनको महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो सेम प्रोसेस सेम बात तो लड़ाइयाँ लड़े उन्होंने. अपार्थियड के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी और मंडेला को 30 साल की सजा हो गई. मंडेला हैड टू स्पेंड 30 इयर्स इन प्रिजन. 30 साल तक, अब आप सोच सकते हैं कि 30 साल तक किसी को जेल में कैद करके रखना, वो किस लिए, वो जेल में क्यों, देवा ही वॉज इन प्रिजन जस्ट बिकॉज ऑफ देयर नेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पीपल, नॉट फॉर हिम, नॉट फॉर हिमसेल्फ. खुद के लिए नहीं थे वो, बल्कि अपने देश के लिए थे वो. अपने लोगों को इक्वलिटी दिए, इक्वलिटी प्रोवाइड करने के लिए वहां पर होते. फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 और लास्ट में फाइनली 1994 में एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है, हेल्ड होता है वहां पर, और उसमें नेल्सन मंडेला को जीत मिलती है. उस इलेक्शन को वो जीतते हैं और उसके बाद वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका के पहले